हेलो एवरीवन, आज मैं लाई हूँ कुकीज़ की रेसिपी। मैं हूँ अपर्णा, वेलकम टू अपर्णाज किचन। आज बनाएंगे आटा जीरा कुकीज़। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती हैं, बेकरी से भी ज़्यादा अच्छी बनेंगी। देखिए कितनी क्रंची हैं, तो चलिए बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने ये ले लिया है 1 कप गेहूं का आटा, क्योंकि आज हम कुकीज़ गेहूं के आटे से बना रहे हैं, बहुत ही हेल्दी होते हैं, तो इसलिए मैंने आज गेहूं का आटा लिया है। और आप इसके साथ ही ले लेंगे ये 1/2 कप बेसन, तो ये भी इसमें मिक्स कर देते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे ये घी, ये भी मैंने 1/2 कप लिया है, तो ये डाल देते हैं। तो आप इसकी जगह बटर भी ले सकते हैं 1/2 कप। तो अब इसको मिक्स कर लेते हैं। तो अब इसमें मिक्स कर देते हैं ये बेकिंग पाउडर, ये मैंने लिया है 1/2 टीस्पून। और अब मैं मिक्स करूंगी इसमें 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। तो बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दोनों मैंने मिक्स किए हैं, और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इस तरह हाथों से ही मिक्स करें। तो अब इसमें मिक्स करेंगे ये नमक, तो क्योंकि आज मैं नमकीन बिस्किट बना रही हूँ, तो इसमें थोड़ा सा नमक मिक्स कर देते हैं। और इसके टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए आप इसमें 1 छोटा चम्मच चीनी भी मिक्स कर सकते हैं। और देखिए ये हमारा डो बन गया है, इसमें दूध वगैरह कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको ज़्यादा मैश नहीं करना है, इस तरह से इसे हल्का मैश करते हुए इसे इसके डो जैसा बना लेना है। और देखिए डो भी हमारा रेडी हो गया है। अब देखिए कढ़ाई हमारी प्री हीट हो रही है, इसमें मैंने ये नमक डाला हुआ है, तो ये नमक मैंने कई बार यूज़ किया है, इसलिए इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है, तो इसमें ये स्टैंड रख देते हैं। और अब इसे मैं ढक दूंगी, और हमारी ये कढ़ाई है प्री हीट होगी, तब तक इधर कुकीज़ बना लेते हैं। और देखिए इस तरह से थोड़ा सा पार्ट लेंगे और इस तरह से इसे गोल कर देंगे, इसकी कुकीज़ बना लेंगे। तो आप गोल बना सकते हैं या फिर स्क्वायर बना सकते हैं, जैसी शेप आपको पसंद है वैसा आप बना सकते हैं। और देखिए एक कुकीज़ हमारी रेडी हो गई है, तो इसको इधर रख देंगे। देखिए एक रेडी हो गई है, तो इस पे लगा देंगे जीरा, इस तरह से। और आप अजवाइन भी लगा सकते हैं, या जीरा अजवाइन दोनों को मिक्स करके लगा सकते हैं, तो ऐसे ही और बना लेंगे। और देखिए मैंने ये इतनी कुकीज़ बना ली हैं, तो इन पे मैं ये अजवाइन बीच में इस तरह से रख दूंगी, तो आप अजवाइन या फिर जीरा जो भी आपको पसंद है वो आप इस तरह से इस पे रख दीजिए थोड़ा थोड़ा, तो इससे दिखने में अच्छा लगेगा। और कुछ पे मैं इस तरह से जीरा रख दूंगी, और मैंने इस तरह से गोल बनाई है कुकीज़। तो आपको अगर स्क्वायर पसंद है तो आप स्क्वायर बना सकते हैं, रेक्टेंगल पसंद है तो आप रेक्टेंगल बना सकते हैं। तो देखिए ये हमारी कुकीज़ रेडी हो गई हैं। तो अब मैंने यहाँ पे एक प्लेट ली है, प्लेट में इस तरह से सिल्वर फॉइल को लगा लिया है, रैप कर लिया है। तो अब ये जो हमारी कुकीज़ हैं इनको मैं इस तरह से इस पर रख दूँगी, और इस तरह से थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए दोनों के बीच में, थोड़ा सा गैप रखना चाहिए, क्योंकि जो हमारी ये कुकीज़ हैं ये फूलेंगी, तो इन्हें इस तरह से लगा लेते हैं। तो देखिए हमारी कढ़ाई भी प्रीहीट हो चुकी है, बहुत गर्म हो गई है, तो अब इसमें ये प्लेट रख देंगे। और
और अब इसे कवर कर देंगे और इस तरह से बड़ी प्लेट से कवर करेंगे जिससे स्टीम बिल्कुल भी बाहर ना निकले। आप कुकीज़ को बेक करेंगे 30 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे, और आप अवन में भी इसे बेक कर सकते हैं 180 डिग्री पे 15 से 20 मिनट के लिए। तब तक जो हमारी ये बची हुई कुकीज़ हैं इनको भी बना लेते हैं। अब देखिए 20 मिनट हो चुके हैं और एक साइड से बेक हो चुकी हैं। देखिए तो अब मैंने पलट दूंगी और इस तरह से आप फॉक से या स्पून से ही पलटें क्योंकि कुकीज़ अभी बहुत ज़्यादा गर्म हैं। कि मैंने सारे कुकीज़ को पलट दिया है, अभी इन्हें मैं फिर से ढक दूंगी। और अब मैं फिर से इन्हें बेक करूंगी जब तक ये अच्छी तरह से बेक नहीं हो जाते। अब देखिए हमारे बिस्किट बेक हो चुके हैं दोनों साइड, तो अब मैं निकाल लूंगी। और बिस्किट को बेक होने में मुझे 30 से 35 मिनट लगे हैं, तो इसी तरह से मैं ये सेकेंड बैच भी बेक कर लूंगी। देखिए इनको मैंने इस तरह से रख दिया है, तो जब ये कुछ ठंडी हो जाएंगी तब मैं इन्हें सर्व करूंगी। तो अब ये बहुत गर्म है, देखिए बिस्किट ठंडे हो चुके हैं, अब इन्हें सर्व करूंगी मैं। और देखिए हमारे बिस्किट बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बने हैं, बेकरी से भी अच्छे। तो देखिए आटा बिस्किट इस तरह से आप लोग भी बनाइए, बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। तो आप इन्हें चाय के साथ खा सकते हैं, आप इन्हें ऐसे ही इंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे हैं ये। और आप इन्हें महीनों स्टोर कर सकते हैं, किसी भी एयर टाइट डिब्बे में भर के रख दीजिए, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स आप बताइए आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, देखिए कितने ही अच्छे हैं, बहुत ही क्रंची हैं और बहुत ही अच्छे से टूट गए हैं, देखिए। तो आप इन्हें बनाइए और देखिए दोनों साइड बहुत ही अच्छे से ये बेक हुए हैं। तो फ्रेंड्स रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। सब्सक्राइब के बाद बेल को जरूर क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सकें। आप मुझे इंस्टा और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।